फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अपडेट्स। यहाँ पे वर्ग दो शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन कल जारी कर दिया गया है और यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ, जहाँ पे इंजीनियर बीकॉम कौन कौन फॉर्म भर सकता है। यहाँ पे जो बहुत सारे डाउट्स बन रहे हैं ना दोस्तों, वो डाउट मैं एकदम से क्लियर करने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगा और आपके लिए एक अच्छी खबर है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से पूरी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि जो पीवी के ऑफिशियल रूल बुक जारी होता है वो हमेशा ही एक प्रकार से कन्फ्यूजन पैदा करता है। लेकिन मैं आपको एकदम क्लियर शब्दों में इंजीनियर बीकॉम वालों के लिए समझाऊँगा, उनके लिए खुशखबरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे आपको दिख रहा होगा लाल कलर का बटन और उसके बाद आएगा घंटे का बेल आइकन, तो उसे भी दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मुझे बहुत पसंद आता है। तो चलिए दोस्तों, अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट, बताता हूँ आपको पूरी खुशखबरी क्या है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी अगर आप देखेंगे कि आवेदन पत्र जो है वर्ग दो के लिए अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आवेदन पत्र जब स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आ जाएगा कि बीकॉम वाले बी वाले के लिए ऑप्शन आ जाएगा कि वो फॉर्म को डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, जब आपकी डिग्री का ऑप्शन चूज़ किया जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ दोस्तों, जो कि पहले नियम पुस्तिका आई हुई थी और उसके अनुसार अगर आप लोगों को ध्यान होगा, जहाँ पर मैंने इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए खुशखबरी कही थी, तो उस नियम पुस्तिका की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। और साथ में मैं बता दूं कि यहाँ पे इसके साथ साथ आपके पास बीएड और डीएड इनमें से कुछ एक होना ज़रूरी होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु नियोजित किए जाने वाले माध्यमिक शिक्षा की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। तो ये देखिए, यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी। और ये जो नोटिफिकेशन है, ये पूरा रूल बुक है, ये रूल बुक था दोस्तों, शिक्षा विभाग ने ही जारी किया था, जिसका अभी पीडीएफ मेरे पास है नहीं और दोस्तों मैं थोड़ा बाहर हूँ घर से। तो यहाँ पे दोस्तों, परीक्षा के विषय गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत व उर्दू होंगे। ये सारी चीज़ें सेम है। गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थियों को गणित अथवा भौतिक शास्त्र तथा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना होगा। तो इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना होगा, यानी कि माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो भर्ती आई हुई है उसमें आप लोग इंजीनियर एलिजिबल होंगे। किसके लिए? मैथ्स के लिए, यानी कि आप गणित के लिए एलिजिबल होंगे। स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इंफ्रामेट्रिक्स में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक उपाधि हासिल होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। एवं सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल शास्त्र एवं वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पे बीकॉम वालों के लिए भी अच्छी खबर है, स्नातक उपाधि निर्धारित परीक्षा के साथ नियम उल्लेखित प्रावधान अनुसार धारित अनिवार्य होगा। तो वहाँ पे नियम पुस्तिका में दिया हुआ है कि आपका ग्रेजुएशन में कितना 45-50% होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सेम है, ये पूरी नियम पुस्तिका बहुत पहले आ गई थी। अब वहाँ पे दोस्तों, जब ऑनलाइन फॉर्म चालू होगा तो वहाँ पे आपके लिए ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ से पूरी तरीके से 101% क्लियर हो जाएगा कि इंजीनियरिंग बीकॉम वाले और कौन कौन लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि जो पीवी की रूल बुक आई है उस पर उन्होंने थोड़ा अच्छी तरीके से क्या कुछ भी क्लियर नहीं किया है, जो कि हमेशा विद्यार्थियों के लिए नुकसान के लिए रहता है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्लियर किया है, ये ऑफिशियल इनकी पीडीएफ जारी की गई थी स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा ही, और आप नीचे इसका वीडियो भी देख सकते हैं जहाँ पे मैंने पूरी पीडीएफ के बारे में बताया था। मैं उसके लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर इसका वीडियो पूरा देख लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।